जन सरोकार मंच के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिला। जैसा कि हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं मेरा परिचय आप लोगों को दे दूं, मैं बीएल गुर्जर, पूरा नाम भंवरलाल गुर्जर, वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थड़ी जो कुराड़ पंचायत में मालपुरा ब्लॉक में है वहाँ पर प्रधान अध्यापक का कार्यभार संभाल रखा है। हम लोग स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और शिक्षकों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, देश और समाज के लिए काम करें। हमने प्रयास किए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन सरकारी स्कूलों की के बारे में लोगों की जो सोच है थोड़ी नेगेटिव सी बनती जा रही थी। लोग सरकारी स्कूलों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और निजी स्कूलों की तरफ लोगों के कदम बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे विद्वान गुरुजनों ने वो सब बातों को झूठी साबित करते हुए अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने विद्यालयों में काम करके अपने विद्यालयों को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया है। ऐसे गुरुजनों को मैं, चूंकि 3 दिन बाद शिक्षक दिवस भी है, इसलिए ऐसे महान गुरुजनों को कुछ लाइनें समर्पित करता हुआ मैं मेरी बात की शुरुआत करूंगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। कच्ची ईंटों से ताज बनाने वाले, इस भारत देश का भविष्य बनाने वाले उन महान गुरुजनों को शिक्षक दिवस से पूर्व मैं नमन करता हूँ। और सभी गुरुजन टोंक ज़िले के और टोंक ज़िले के बाहर के, जिनका भी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं बात करना चाहूँगा मेरे खुद के विद्यालय की, जहाँ हमने काम किया। एक बात सत्य है, काम करने वालों के सामने किसी प्रकार की बाधाएं, उनके जो काम करने के मंसूबे होते हैं उनको रोक नहीं पाती है, और काम नहीं करने वालों के लिए कई सारे बहाने होते हैं। मेरे लिए भी थे। मेरी 2005 में पोस्टिंग हुई, और चूंकि एक इस तरह का माहौल लोगों ने बना रखा है, सरकारी सर्विस लग गई अब तो मज़े ही मज़े हैं, तो मेरे बारे में भी लोगों ने सोच रखा होगा, तो मेरे कहा भी अरे कि बहुत बढ़िया हुआ,
तेरे को तो गुजरों का गांव मिल गया और तेरे तो मज़े ही मज़े हैं, और वहाँ कोई अधिकारी भी नहीं जा पाता, काफ़ी दूर है, और ऐश करना। देखा वहाँ पर जाके कुछ नहीं था, एक बाड़ा टाइप की स्कूल थी। बच्चे गांव में घूम रहे थे, खेतों में घूम रहे थे। रास्ते में हमको कई बच्चे मिले जब मैं ज्वाइन करने गया था। दो गुरुजी बैठे हुए थे, कुछ बच्चे वहाँ भी बैठे हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा। फिर हमने थोड़ा सा प्रयास किया भाई, कुछ इस स्कूल को अपन एक नए ढंग से हाईटेक कर सकें। तो कई सारे व्यवधान आए। मैं जो बातें बताता था कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो मजाक बनाते थे और ऐसा कहते थे कि गुरुजी आप जो सोच रहे हो ये सब चीज़ें घरों में संभव है या सरकारी स्कूलों में संभव नहीं है। मैं मन महसूस कर रह जाता, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। एक मेरे बहुत ही अजीज मित्र, जिनका आज मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी लेक्चरर है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, श्री विश्वम्भर दयाल जी शर्मा। 2011 में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एचएम का पद खाली हो गया है, आप चार्ज संभालें। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप सीनियर हो, आप संभालें। मैंने कहा नहीं विश्वम्भर जी, आप में वो क्वालिटी है, आप संभालें। और क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा आक्रामक है और मैं सबको शायद साथ लेके नहीं चल पाऊँ। उन्होंने बड़ा बेहतरीन ढंग से ये कार्य संभाला और मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल में काम करने लग गया। सबसे पहले हमने शुरुआत की कि हमारी जो स्कूल है इसकी चार दीवारी को जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी उसको मरम्मत करके, और उस स्कूल का जो मेन गेट है उसको मजबूत बना करके इस तरह से स्कूल को चारों ओर से कवर किया जाए कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल में एंटर नहीं कर सके। हमने प्रयास किया और चार दीवारी जो 3-4 फीट थी हमने उसको 8 फीट करवाया। उसके बाद भी बच्चे कूदते हुए नहीं माने तो हमने उस पर तार खिंचवा दिए और धीरे धीरे हमारी स्कूल बिल्कुल सुरक्षित हो गई। फिर हमें लगा कि अब हमको स्कूल के अंदर नवाचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ला के रखेंगे तो सुरक्षित थी। और इस सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए माननीय विश्वम्भर जी से मैंने कहा अपने सीसीटीवी कैमरे लगवा दें। उनको बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन मेरे पे विश्वास था भाई लगा सकते हैं। गांव वालों से संपर्क था, मेरे मित्र थे, भामाशाह के रूप में सहयोग करते थे। हमने वहाँ पर पूरी स्कूल कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और सीसीटीवी कैमरों को हमने वॉकी टॉकी सिस्टम के माध्यम से ऑफिस में उसका जो सिस्टम था कंट्रोलिंग थी वहाँ कर दी। और उसके बाद उस सीसीटीवी कैमरों को हमने हमारे प्रधानाध्यापक के मोबाइल से ऑनलाइन अटैच कर दिया। यानी कि कभी छुट्टियों में हम स्कूल नहीं जा पाते हैं तो हम हमारी स्कूल को घर बैठे बैठे लाइव देख सकते हैं कि स्कूल के किस कमरे में ताला लगा हुआ है, या किसी ने ताला तोड़ लिया, या सामान सही जगह अपनी जगह व्यवस्थित है, या इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया किसी ने। छुट्टी के दिन भी वहाँ जाकर देखने के बजाय हम हमारे घर पर या कहीं से भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा कभी ऑफिशियल कार्य से स्कूल नहीं जा पाते हैं तो भी हम अपने स्कूल को बारी बारी से
वो जो लाइव कैमरे हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा नवाचार था अपने आप में। और चूंकि धर्म और ईश्वर में आस्था करना करने वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अपन गलत करेंगे तो ईश्वर देख रहा है, तो सीसीटीवी कैमरे भी आधुनिक ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि ईश्वर का डर आदमी को भले ही डराए या न डराए लेकिन कैमरे का डर जरूर डराता है। हमें हमें मालूम रहता है कि हमारी सारी एक्टिविटी कैमरे में कैद हो रही है। हम कितने बजे स्कूल जा रहे हैं, कितने बजे स्कूल से वापस आ रहे हैं, ये सारा का सारा रिकॉर्ड 1 महीने तक कैमरे में रहता है, और वो भी ऑनलाइन भी हम उनको देख सकते हैं कहीं से भी दूर बैठे भी। तो ये हमारा पहला नवाचार था, हमने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया। समस्याएं शुरू में यार लेट सेट हो जाते हैं, दूर है कई सारी है, लेकिन धीरे धीरे हमने सब ने अपने आप को टाइम का पंक्चुअल कर लिया, और आज बड़ी खुशी होती है कि हम सब स्टाफ वाले टाइम पर बिल्कुल स्कूल पहुंचते हैं और टाइम पर ही वापस। और बीच में कभी कोई काम से जाना होता है तो बाकायदा मूवमेंट रजिस्टर में इस बात का इंदराज करते हुए हम निकल जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल क्लास के लिए हमने प्रयास किए। हम घरों में अपने बच्चों को देखते रहते हैं कि मोबाइल हाथ में आया उनके और कार्टून देखना शुरू कर देते हैं। कार्टून बच्चों का सबसे पसंदीदा विषय रहता है। टीवी भी आप लोगों को सबको अनुभव होगा कि घरों में आप टीवी चैनल में हम लोग ज़्यादातर समाचार वगैरह ही देखते हैं, महिलाएं धारावाहिक देखती है, सीरियल वगैरह, लेकिन बच्चे इन दोनों के से अलग हट के वो कार्टून शुरू कर देते हैं। न हमको समाचार देखने देते हैं, न महिलाओं को सीरियल देखने देते हैं। कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है बच्चों का। तो मेरा एक मित्र हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका की, उसमें जॉब करते थे, रामस्वरूप जी गुजर। एक बार ऐसे वो बता रहे थे कि ये सीडी है और इसमें मतलब कुछ वीडियो ऐसे हैं एजुकेशनल जो बच्चे को सीखने सिखाने के काम आते हैं, और हम हमारी संस्था के माध्यम से राजसमंद जिले में ऐसा कर रहे हैं। मैंने वो सीडी उनसे ली और काफ़ी थी वो, उनको एक पेन ड्राइव में कंप्यूटर में सेव करके पेन ड्राइव में लिया। फिर हमने एक नई एलईडी टीवी खरीदने की का प्रयास किया और वो हमने खरीद भी ली। हमारे पास पैसे कम पड़ रहे थे, हमने उधार ले ली, उधार रखवा दी और धीरे धीरे चुका दिया बाद में। इसमें सभी स्टाफ का बहुत बड़ा सपोर्ट था, ग्रामवासियों का सपोर्ट था, और मेरे जो मित्र जो दूसरे गांव के थे, दूसरे शहरों के थे, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता था और वो भी इसमें डोनेशन करते थे। हमने पहली बार एक बड़ी सारी बहुत बड़ी करीबन 24 इंची की होगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, शायद 24 इंची की टीवी वो ला के लगा दी हमने, और उसको एक होम थिएटर से हमने कनेक्ट कर दिया, और वो जो वीडियो हमने पेन ड्राइव में लिए थे उनमें लगा के और बच्चों को दिखाने लग गए। बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते और उनको बड़ा अच्छा लगता। और कुछ जैसे कि ABCD है अल्फाबेट, और क ख ग घ ण है हिंदी के स्वर व्यंजन हैं, शब्दों को बनाना है और उनका उच्चारण करना है, ये सारी की सारी वीडियो हमारे पास थे। गणित के किस तरह से जोड़ करना, किस तरह से बाकी करनी, वो वीडियो के माध्यम से बच्चों को बड़ा शानदार ढंग से समझाया जाता था। तो बच्चे बड़ा आनंद के साथ, और लास्ट में एक पीरियड रहता था उनका 1 घंटे का, तो उसमें कभी कौन सी क्लास को, कभी कौन सी क्लास को, सबके अलग अलग स्तर के अनुसार हमारे पास वीडियो थे, हमने करवाया। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। और कई वीडियोज़ में तो बच्चे जो पोइम आई थी वो साथ साथ आप बोल रहे थे, लयबद्धता भी थी,
सो चलो बोल के सुनाओ, याद हो गई तो बच्चा बोल के सुनाता था, तो मैं और विश्वंभर जी उसकी वीडियो बनाते थे हमारे फ़ोन से, वीडियो बना के और फिर उसको उस वीडियो को पेन ड्राइव में लेके फिर टीवी के माध्यम से बच्चों को दिखाते। अब टीवी के अंदर बच्चे ने अपने आप को देखा तो कितना अच्छा लगा होगा उसको, अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस किया होगा कि जिस टीवी के अंदर हनुमान जी, बजरंगबली, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखते थे, जिस टीवी में सलमान खान और आमिर खान, अमिताभ बच्चन दिखते थे, आज उसमें मैं दिख रहा हूँ। और फिर वो बच्चा जो पोइम बोलता तो उसमें चूकता भी निश्चित रूप से, तो वो देखता है मैं इस जगह चूक गया, गलत बोल गया, तो वो अपने आप में सुधार कर लेता था और मोटिवेट इससे काफ़ी वो होता था। और दूसरे दिन सब बच्चों में एक होड़ मच जाती कि मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मेरा वीडियो बनाओ। तो ये हमने छोटा सा प्रयास किया था। हमारे पास स्मार्ट रूम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कम पैसों में हमने हमारे मित्र विश्वंभर जी, जिनको मैं बिल्कुल याद करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस स्कूल में जो कुछ काम हुआ है उसमें बिल्कुल पूरे के पूरे भागीदार हो रहे हैं। तो अब वो डिजिटल क्लास को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमने उसको होम थिएटर, बड़े स्पीकर लगा दिए जिससे वो आवाज़ थोड़ी सी सब बच्चों के पास पहुंच जाए, और ये हुआ। और इसके बाद हमने कंप्यूटर अटैच कर दिया उससे, जो अपना एलईडी टीवी था उससे, और कंप्यूटर के माध्यम से कुछ यूट्यूब में जो एजुकेशनल वीडियो ऑनलाइन होते थे वो भी बच्चों को दिखाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और सॉफ्टवेयर हमने बेंगलोर से, ग्लोबल शिक्षा एक कोई संस्था है, वहाँ से करीबन 3-4 हज़ार रुपये का एक सॉफ्टवेयर मंगवाया, और उसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के गणित, विज्ञान और ये पर्यावरण, ऐसे विषयों के ई कंटेंट थे। बच्चे वो पूरा का पूरा देखने के बाद फिर उसमें जो मूल्यांकन होता था उसमें बाकायदा बच्चों के सामने क्वेश्चंस होते थे, फिर ऑप्शंस होते थे, बच्चे खुद अपने हाथ में उस कंप्यूटर का माउस पकड़ते थे और उस पर कौन सा क्वेश्चन राइट है उस पर क्लिक करते थे। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। और इस तरह से हमने ये डिजिटल क्लास जो है बड़ी बेहतरीन ढंग से हमारी स्कूल में संचालित की। और फिर हमारे को अजयम जी प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से वेदांता ग्रुप ने एक प्रोजेक्टर भी दिया, और वो भी हमारे स्कूल में बिल्कुल उपयोग में आ रहा है। इसी प्रकार से हमने, चूंकि कोई बिल्डिंग होती है तो दूर से ही लगना चाहिए भाई हाँ ये स्कूल है या और किस की बिल्डिंग है, तो हमने हमारे स्कूल के जो बरामदे थे पूरे बरामदों को TLM से बिल्कुल पेंट करवा दिया। एक पेंटर को बुलवाया, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र वगैरह सारा पूरा का पूरा राजस्थान का नक्शा है, और कोई हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनको सबका हमने, तो बड़ों बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। बच्चे वहीं बरामदे में देख देख के अपनी कॉपी में उतारते थे, फिर हाथ लगा लगा के घूमते थे, बोलते थे। ये भी बड़ा शानदार हमने स्कूल में किया। इसके बाद हमने, क्योंकि एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म का दिन होता है स्कूल में, और उस दिन बच्चे रंग रंगीली ड्रेस पहन के आते हैं, और मैंने महसूस किया कि स्कूल ड्रेस के अलावा बच्चों के पास घर पे एक या दो ड्रेस होती है, घर वाले महंगी ड्रेस रखते हैं और कहीं कोई शादी ब्याह पहनने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, वो विदाउट ड्रेस वाला गुरुवार का दिन था, उस दिन वो महंगी वाली ड्रेस पहन के आ जाते हैं, और वो जो पिसल पट्टी होती थी उस पर पिसलना। और वो मैंने देखा क्यों नहीं एक हाउस ड्रेस जो एक दिन के लिए लागू हो और उसको बच्चे पहन के आए तो बड़ा अच्छा लगेगा, स्कूल भी सुंदर लगेगी और एक नवाचार भी हो जाएगा। साथ ही बच्चों की जो महंगी ड्रेस जो 1.5-2 हज़ार की होगी या 1,000 रुपये की होगी वो भी ख़राब होने से बचेगी।
तो हमने एक दुकानदार से बात की और उसने मात्र 200 रुपये में टी शर्ट और लोअर, पजामा और टी शर्ट हमको उपलब्ध करवा दिया। उस पर हमने स्कूल का नाम भी लिखवा दिया। तो उसको पहन के बच्चे एक दिन जो विदाउट ड्रेस वाला दिन होता था पहन के आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और घर पे भी वो उसी ड्रेस में रहते थे तो दूर से लगता था कि ये बच्चा फलां स्कूल का है। तो इससे एक चीज़ जो कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अलग रंग की रंग रंगीली ड्रेस पहन के जाते थे बच्चे, तो उनको देख के हमारे बच्चे भी आकर्षित होते थे। हैं वो बच्चे टाई बेल्ट बांध के जाते थे तो बच्चों को ऐसा लगता था कि ये देखो प्राइवेट स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, टाई बेल्ट। तो हमने हमारे स्कूल में टाई बेल्ट भी लागू कर दिया बहुत कम पैसे में, जो कि हमने स्कूल का नाम वगैरह उस पर अंकित करवा के और वो टाई बेल्ट हमने लागू करवा दिया स्कूल में। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। मुझे काफ़ी लंबा खींच गया, 5:30 बजे तक का टाइम था, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो मैं जल्दी फिनिश करता हूँ, काफ़ी विषय और भी चीज़ें हैं। तो ये हमने किया। इसके बाद संपूर्ण विद्यालय कैंपस रसोई घर कक्षा, ये जो हमने कैमरे रसोई तक में भी हमने कैमरे लगाए थे ताकि कई बार कई अनहोनी घटनाएं हो जाती है, सब्जी में कोई कुछ डाल जाता है, दाल में कुछ डाल जाता है, बच्चे खाते हैं, दस्त हो जाते हैं और कुछ है, तो उसका भी पूरा ध्यान रहे। और हमने जो कैमरों को वॉकी टोकी से जोड़ रखा था उसका यह था कि मैं या हेडमास्टर कोई भी हो, ऑफिस में बैठा बैठा किसी भी क्लासरूम में किसी भी गुरुजी से, किसी भी बच्चे से बात कर सकता था। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा नवाचार था, क्योंकि एक पियोन का काम वो मशीन कर रही थी, क्योंकि हमारे छोटे स्कूलों में पियोन दिया नहीं जाता गवर्नमेंट की ओर से। तो उस कंडीशन में वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सुविधा का यंत्र बन गया। अब बात कर सकते थे, बुला सकते थे बिना कुछ ऑफिस से उठ के गए बगैर। और इसके अलावा हमने जो स्कूल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फर्स्ट बात तो पूरी स्कूल में हमने जो अमूमन गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना कढ़ी और समोसम, उसको हटवा के उस पर रेजमाल रगड़वा के पेंटर से काफ़ी कुछ पैसा खर्च हुआ, लेकिन उस पर अंदर और बाहर प्लास्टिक पेंट करवा दिया जो अपने आप में बहुत सुंदर लगती थी स्कूल। फिर मेन गेट हमने बनाया, तो उस मेन गेट पे हमने ग्रेनाइट पत्थर किशनगढ़ से मंगवा के, काफ़ी महंगा पड़ा लेकिन ग्रेनाइट का पत्थर लगवा के उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह लगा के बड़ा सुंदर बनाने का प्रयास किया, जो दूर से यूं लगता है। कई अधिकारी वहाँ से निकलते हैं तो कई बार गांव वालों को टोकते हैं कि ये होटल बना रखी है क्या आप लोगों ने इतनी बढ़िया गांव के अंदर, बल्कि होटल नहीं, एक गवर्नमेंट स्कूल है। किसी को यकीन नहीं होता कि वास्तव में ऐसी भी गवर्नमेंट स्कूल होती है क्या। और अभी वार्षिक उत्सव में हमने बच्चों को पीने के लिए ठंडा पानी मिल सके इसके लिए एक भामाशाह को मोटिवेट किया और उन्होंने हमारे स्कूल में एक वाटर कूलर भेंट कर दिया। और इसके अलावा भी हमारे पास लगभग 50,000 रुपये कैश आए, मेरे मित्र थे गांव के जो भामाशाह थे उन्होंने दिए, जिनका स्कूल में हम बिल्कुल बखूबी ढंग से उपयोग करते आए हैं और करते रहेंगे। वार्षिक उत्सव में हमने राजस्थान की बहुत बड़ी शख्सियत, अपने हाई कोर्ट के पूर्व जज साहब श्री V.S. सिराधना जी को बुलाया और अध्यक्षता हमारे उस कार्यक्रम की की, अपने CIDCB के DIG एवं वरिष्ठ IPS अधिकारी जो हमारे टोंक के SP रह के गए हैं श्रीमान किशन साई जी, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर P.S. वर्मा जी हमारे उस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम थे, जिन्होंने भामाशाहों को भी सम्मानित किया और हमारे जो बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया। इससे पहले भी हमने छुआछूत अंधविश्वास मुक्त समाज के लिए और जिनमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो उसके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था, विचार गोष्ठी रखी थी, जिसमें माननीय सीनियर IPS अधिकारी श्री किशन साई जी ने भाग लिया था और उसके बारे में अभी मैं विस्तृत बताऊंगा। और इसके अलावा हमने एक ऑटोमेटिक स्कूल बेल, क्योंकि मैं बता रहा था कि छोटी स्कूलों में चपरासी नहीं होते हैं, पियोन नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में
पीरियड जो है टाइम पर लगते रहें और गुरुजी अपने टाइमिंग के हिसाब से दूसरी क्लास में चले जाएं। कई बार अब वो घंटी तो थी परंपरागत जो होती थी, अब उसको बजाए कौन, या तो गुरुजी बजाएं या बच्चे बजाएं। अब भूल सकते हैं, मानवीय स्वभाव है, बच्चे भूल जाए, गुरुजी भूल जाए, पीरियड कौन सा लगा था, कब लगा था। तो ये बड़ी समस्या थी, स्टाफ की भी मांग थी कि इस तरह की कोई यंत्र आता हो तो मंगवाएं। हमने सर्च किया, मालूम किया, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि टोंक जिले की पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्कूल बेल हमने हमारी स्कूल में लगाई, जो बहुत छोटी स्कूल है, 8वीं तक की स्कूल है, उसमें लगाई। और उसमें उस इलेक्ट्रिक बेल को कई शिक्षक बंधुओं ने देखा, तो बड़ी बड़ी स्कूलों में फिर बाद में लगना शुरू हुआ। मालप्रा स्कूल में लगी है, बरौल में लगी है, लामारी सिंह में, इधर काफ़ी स्कूल में वो कारगर सिद्ध हुई कि वास्तव में ये स्कूल का एक अभिन्न अंग बन गई हो इलेक्ट्रिक बेल। टाइमिंग सेट कर दो और पीरियड, घंटी, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम उसमें था, बज जाती थी। और प्रार्थना सभा हमने बड़ी शानदार ढंग से म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से करवाना शुरू किया, और उसमें उस म्यूजिक सिस्टम में ही सावधान करवाना, विश्राम कराना, बैठ बिठाना, प्रार्थना स्थिति करवाना, सारा सब कुछ उसी में था। हाँ, तो वो मशीन ही सावधान विश्राम कराती थी और वो प्रार्थना बुलवाती थी, और बच्चे बड़े लय और ताल के साथ वो प्रार्थना बोलते थे। और उसमें हमने जो प्रतिज्ञा होती थी उसको जानबूझ करके अंग्रेजी में करवाया, तो वो अंग्रेजी के अंदर बच्चे प्रतिज्ञा बोलना शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात उसमें ये रही कि बच्चे लयबद्ध, तीसरी क्लास के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे अंग्रेजी में प्रतिज्ञा बिना रुके एक लयबद्धता के साथ शानदार ढंग से बोल लेते हैं। ये बड़ा उसका अच्छा परिणाम आया हमारे सामने। और धारा प्रवाह बच्चे वो सब बोल लेते थे, और प्रार्थना भी लयबद्ध ढंग से, उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चे बड़े राग से प्रार्थना बोल लेते थे। प्रार्थना सभा में हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन से बच्चों को लिखवाना शुरू किया, और दूसरे दिन वो क्वेश्चन से बच्चों से पूछे जाते थे। विभिन्न अवसरों पर, क्योंकि स्कूल में खुद का माइक सिस्टम है, तो विभिन्न अवसरों पर बाल सभा है और कोई कार्यक्रम है, महापुरुषों की जयंतियां हैं, उसमें हमने बच्चों को माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से माइक में बोलने का अवसर दिया, जिससे कि वो बच्चों की झिझक, कोई कई बार होता है, कई बड़े बड़े लोग भी माइक सामने आते ही हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो झिझक खत्म हुई बच्चों की और बड़ा शानदार ढंग से बच्चे बोलने लगे। हमने एक नया काम और किया कि पानी की टंकी भरने के बाद, क्योंकि हमारे वहाँ बिसलपुर का पानी आता है, बहुत बड़ा होद बना हुआ, उसमें ऑटोमेटिक पानी भर जाता है, फिर उसको हमने मोटर के माध्यम से बहुत बड़ी टंकी से जोड़ रखा है, और वो टंकी के कनेक्शन अलग अलग टोटीज लगी हुई है, वाश बेसन लगे हुए हैं, लेटरिन बाथरूम वगैरह है, तो उनमें शौचालय वगैरह में भी पानी की सप्लाई है। तो कई बार क्या होता था, टंकी भरने के बाद ओवरफ्लो का पानी पूरी स्कूल कैंपस में फैल जाता था, कीचड़ हो जाता था। तो आजकल एक 200 रुपये का एक अलार्म आता है, वो लाया, तार लाए, उसको जोड़ दिया और नीचे लगा दिया, जो तारों के वो पानी छुएगा तो उधर वो अलार्म अंग्रेजी में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। तो ये हमने किया, पानी भी अनावश्यक बहने से बचा, उसकी बचत भी हुई, और स्कूल में जो कीचड़ होता था, गंदगी होती थी, वो भी रुकी। साप्ताहिक टेस्ट वगैरह सभी स्कूलों में होते हैं, हम भी करते थे, लेकिन उसमें यह होता था कि हम बच्चों को पेपर जो है प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके ही उपलब्ध करवाते थे, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ कई बार पेपर बच्चे ढंग से नहीं समझ पाते थे। और हमने स्कूल में ही एक स्टेशनरी बैंक भी खोला, क्योंकि बच्चे दिन भर सर पेंसिल ले आऊँ, रबड़ ले आऊँ, ऐसा करके कि बाहर निकलते रहते थे। तो क्योंकि हमारी स्कूल में जो मेन गेट था उसके हम लॉक कर देते थे, क्योंकि दिन में बच्चे कई बार मतलब गुरुजी का ध्यान नहीं रहे निकल लेते थे, तो
तो लॉक लगा देते थे, उससे गांव के लोगों का अनावश्यक आना जाना भी बंद हो जाता था। जिसको काम होता था वही आवाज़ लगा कि गेट खुलवा के अंदर आता था, या किसी बच्चे को ज़रूरी काम होता था गेट खुलवा के बाहर जा आते थे। स्कूल की छत से जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से एक एनजीओ के द्वारा उसको हमने होल से जोड़ रखा है। अभी हमने पंचायत से सहयोग लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपए का टीन शेड स्कूल के सामने लगवाया है, जिससे कि क्योंकि हमारे कमरों की कमी है तो कुछ क्लासों को हम टीन शेड में बिठा सकें। सभी कमरों में पंखे लगे हुए हैं और एक कूलर भी। हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक जी श्री विश्वम्भर जी ने विश्व स्कूल को डोनेट किया था जब वो यहाँ से गए थे। एक स्कूल का जो कैंपस है उसको इंटरनेट वाईफाई बनाया गया है, क्योंकि वो एक तो हमारे जो कैमरे हैं सीसीटीवी वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे फ़ोन से अटैच रहते हैं, दूसरा स्कूल कैंपस में कई विषय वस्तु गुरुजन अपने मोबाइल के माध्यम से, हालांकि मोबाइल बैन है लेकिन फिर भी विशेष परिस्थिति में वो ले सकते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु को अगर दिखाना है, डायग्राम उसका दिखाना है, तो उनके खुद का नेट भी काम नहीं कर रहा हो तो स्कूल का जो वाईफाई है उससे जोड़ के वो आराम से एक क्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं। हमने अभी इसी साल गत वर्ष एक सभी कक्षाओं के बाहर शूज रेक बनवाई लोहे की, लगभग 10,000 रुपये का उसमें खर्चा आया, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे की चप्पलें पहले इधर उधर बिखरी रहती थी, फिर वो शानदार ढंग से उसमें जमा के रख देते हैं और थोड़ा अनुशासित अनुशासन भी रहता है उससे। वो बाहर से कोई गेस्ट आए तो वो देखें तो अच्छा भी लगता है। ये कभी कभार बच्चों को झूला झूलने की इच्छा होती थी, एक रस्सी नीम के पेड़ के बांध देते थे और कह रहे थे ठीक है आज झूला, तो बच्चे वहाँ पर क्योंकि मेरा नंबर नहीं आया ये इतनी बार झूल गया, तो बच्चे क्या करते थे उनकी गिनती करते थे, ये 20 बार झूलना है तो एक दो, तो वो गिनती बोलना और झूले झूलना दोनों काम एक साथ होता था। डिजिटल क्लास बिना व्यवधान के चलती रहे इसके लिए हमने इन्वेटर बैटरी वगैरह सारा हमने लगाया ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान हमारे उसमें नहीं आए। लेकिन इस सारा सिस्टम को जो इन्वर्टर रात दिन चलें, कैमरों को पावर कभी लाइट नहीं आए तो इन्वर्टर के माध्यम से मिले, और दिन में भी पंखे वगैरह। फिर हमने प्रयास किया, एक दो दोस्तों की राय ली सोलर पैनल सिस्टम के लिए, और हमने सोलर पैनल सिस्टम लगाने का निश्चय किया गत वर्ष, और लगभग 40,000 रुपये का हमने सोलर पैनल सिस्टम लगा लिया, जिससे हमारे 8-9 पंखे चल जाते हैं आराम से, कंप्यूटर चल जाता है, पानी की मोटर चल जाती है, और जो बिल हमारा 2,500 से लेकर 3,000 रुपये महीने का आ रहा था वो बिल घट कर के 300 रुपये का, 250 रुपये का, 400 रुपये का हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नवाचार था और हम सभी स्कूलों में ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो केवल भौतिक जो नवाचार जो हमने किया, भौतिक जो कार्य किए स्कूल में उसके बारे में अभी मैंने आप लोगों के सामने बात रखी। इसके अलावा भी हमने, क्योंकि समाज एक शिक्षक और जो है वो सीधे रूप से समाज से जुड़ा हुआ रहता है, और समाज और समुदाय जो है वो स्कूल में से जुड़े रहे तो स्कूल का भौतिक विकास भी होता है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावक आते रहें समय समय पर तो बच्चों की कमजोरियां हम उनको बताते रहें, घर पे भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी स्कूल में भी और दूसरी स्कूल की तरह छुआछूत होती थी। बैरवाओं के बच्चे आते थे, उधर गुजरों के बच्चे आते थे, गुजरों के बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, बैरवाओं के बच्चों की संख्या कम थी।
अब वो गुजरों के बच्चे भैरवाओं के बच्चों से छुआछूत करते, 5 फीट दूर बैठते खाना खाते वक्त मिड डे मील का, पानी पीते तो उस वो पानी पीने का जो होता था नल, उसको मिट्टी लेके बार बार साफ करते। उनको काफ़ी यूँ फील होता था बच्चों को, लेकिन क्या करें, पूरे गांव की परंपरा ही ऐसी बनी हुई थी, शुरू से ऐसे कर रहे थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैंने सोचा इस सिस्टम को अपन बंद करें, लेकिन गांव वालों का लग रहा, थोड़ा वो डर लगता था कि कहीं इसको अन्यथा नहीं ले लें, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। एक बार कुछ बच्चों को हमारे एक गुरुजी थे अश्विनी जी यादव, उन्होंने कुछ बच्चों को एससी के जो भैरवों के बच्चे, उनको पानी लेने भेज दिया, क्योंकि पहले हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाहर कोई हैंडपम्प था वहाँ से पानी आता था। बच्चे पानी लेने गए, वापस आए तो गांव के कुछ बुजुर्ग उन बच्चों के पीछे पीछे आ गए और हमको कहने लगे कि ये तो भैरवों के बच्चे, इनसे पानी क्यों मंगवाया तुमने। हमने कहा भाई दूसरे बच्चे नहीं लाते इसलिए इनसे मंगवाया, कि नहीं हमारे बच्चों से मंगवाया करो, तो हमारे बच्चे लाते ही नहीं। फिर उन्होंने कहा हम लेके आएंगे। नहीं, मैंने कोई कहने की बातें, लेके कोई नहीं आता, अरे हम पी रहे हैं पानी, इसमें आपको क्या दिक्कत है, हम कैसे भी पिए। लेकिन वो नाराज़ सा होने लग गए, कुछ बोलने लगे। फिर मुझे एकदम से ऐसा सोचा मैंने, मैं यार कि इनको किस तरह से समझाया जाए। फिर मैंने एक बच्ची थी बेरुओं की, बेटा मैंने कहा खड़ी हो, वो मटके में से पानी भर के ला, वो डरती डरती उस मटके में से पानी लाई और मैं पानी पी गया। पानी पी के मैंने, वो पटेल जी बैठे थे उनकी तरफ मेरा हाथ किया, पटेल जी मेरा हाथ देखो, देखा मेरा हाथ गरम, जल रहा है क्या, कैसे गरम, क्यों जलने लगा आपका हाथ। नहीं, मैंने अभी बैरवों की बच्ची के छुआ हुआ पानी पिया है ना, इस वजह से कहीं मेरे को बुखार आ गया तो देखना है कि मार साहब आप भी अजीब बात कर रहे हो, ऐसे भी कोई बुखार आती है क्या। फिर मैंने इस बात को पकड़ के तुरंत वापस जवाब दिया, बाबा जब इनके हाथ से पानी पीने का कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर फालतू में इनको जलील करने में मज़ा थोड़ी आता है आपको और हमको सबको। तो इसलिए आज के बाद हमारी स्कूल के मामलों में आप हस्तक्षेप ना किया करें। और उसके बाद धीरे धीरे हम सब स्टाफ वाले बच्चों से पानी मंगवा के पीते रहे, वो सारा सब कुछ बच्चों ने भी हमको देखा और बच्चों ने सोचा कि जब गुरुजी नहीं कर रहे थे हम क्यों करें। और आज बहुत अच्छा लगता है जब मिड डे मील के समय कोई सा भी बच्चा उठा के बाल्टी लेकर के वो दाल डाल रहा है, सब्जी डाल रहा है, रोटी डाल रहा है, कोई माइंड नहीं करता इस चीज़ को। और हमें बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर किया है, छुआछूत बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो गई बच्चों में। इसके अलावा अभी मैंने बताया था सारी चीज़ें, मानवतावादी विश्व समाज की जो टीम है, आईजी साहब, डीआईजी साहब किशन साई जी, उनको बुलवाया था, उनकी टीम ने कई प्रकार के प्रयोग बच्चों के सामने रखे थे और उन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास की पाखंड की पोल खोली थी और बच्चों को समझाया था कि हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है, अपने भीतर अंधविश्वास और पाखंड से हमें बचना है। सामाजिक बुराइयाँ की बात हम करें तो गाँव में बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं और उनका हम कैसे किस तरह से समाधान करें, हमने लोगों को समझाया, काफ़ी बातें की। और आज बड़े बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अभी 3 महीने पहले मृत्युभोज का बीड़ा उठाया था कि इस मृत्युभोज को ख़त्म किस तरह से करें, किस तरह से लोग ये नहीं करें, तो हमारी वो मेहनत रंग लाई और मृत्युभोज जहाँ भी होता है मैं खुद आगे बढ़ करके पुलिस को सूचना देता हूँ, पटवारी को सूचना देता हूँ और बाकायदा उनसे कहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी सक्रियता किसी घर को हमेशा के लिए कर्जदार होने से बचा लेगी, इसलिए प्लीज़ सर आप वहाँ जाइए, नोटिस निकालिए और उनका घर में जो 3-4 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं उनको बचाइए, उनके बच्चे आपको दुआएं देंगे। बड़ी विनम्रता पूर्वक किसी भी अधिकारी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अधिकारी निश्चित रूप से वहाँ जाता है और रुकवाने का कार्य करता है। नशा मुक्ति, क्योंकि ये एरिया जो क्षेत्र हैं वो डोडा
ये लोग इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी जागृति लाने का प्रयास किया, लोगों को समझाया, और अब धीरे धीरे उसमें भी कमी आ रही है। टीबी पेशेंट उस गांव में काफ़ी थे, हमने एक बार अपने सांसद साहब श्री जोनापुरिया जी को कह करके और CMHO साहब की टीम वहाँ बुलवाई, और CMHO साहब की टीम ने घर घर जा करके सबका सर्वे किया, और करीबन 4-5 लोग जो पेशेंट थे उनको चिन्हित करके उनकी दवाइयाँ चालू की, और सामाजिक बुराइयाँ और पाखंड और आडम्बर अंधविश्वास के खिलाफ़ मैं वहाँ पर हमेशा से खड़ा रहता हूँ और लोगों को जागृत करता हूँ। कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं, स्कूल में मेरे से झगड़ने आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानता, और फिर भी उनके लगातार पाखंड आडम्बर अंधविश्वास के खिलाफ़ अपनी बात को प्रमुखता से रखता रहता हूँ। पास ही के गांव में एक बंदर ख़त्म हो गया था, तो लोगों ने सब ने मिल करके 4-5 लाख रुपए खर्च करके उस बंदर का मृत्युवोज किया, नुक्ता किया, तो मैं टोकता रहता हूँ लोगों को, मन का यार बड़े अजीब लोग हो, 5 लाख रुपए तुम स्कूल में देते हैं, स्कूल तुम्हारी हाईटेक होती, बच्चे आराम से पढ़ते, ठंडा पानी मिलता उनको, पंखे कूलर की व्यवस्था होती, लेकिन तुमने बेतुके के कार्यों में इस तरह के पैसे खर्च कर दिए, और उस बंदर का मृत्युभोज भी किया, और उसके बाद उसका चबूतरा बनाया समाधि पे, और फिर वहाँ मूर्ति लगा दी वहाँ पर ला करके श्री, और फिर ग्रेनाइट का पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा हुआ श्री श्री 1008 वानर महाराज। तो हमको इस तरह की बेतुकी जो चीज़ें हैं उन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे उस गाँव में भी लोग पहले भी सांड का नुक्ता किया है, और अभी भी एक घटनाक्रम ऐसा था जिसमें हमको बाद में पता लगा ये तो सांड का नुक्ता हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें इस बैकवर्ड क्षेत्र में होती रहती है, पिछड़ा क्षेत्र है, और लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया। तो मेरा जन सरोकार मंच के माध्यम से विशेष आग्रह है कि आप इस प्रकार के क्षेत्र चुनें जहाँ पर जो कि दूर दराज का क्षेत्र हो, और वहाँ पर कई प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ हैं, आडंबर है, पाखंड है, नशाखोरी है, ये चलती रहती है, और बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति लोग अभी भी जागृत नहीं हैं। हालांकि हमने जब मैं गया था स्कूल का नामांकन 60 था, आज 165 है, और ये सब हमारे स्टाफ साथियों की बदौलत है, सब ने मेहनत की जब जाके ये सब हुआ। और अभी मैं काफ़ी लंबा ले गया, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोगों के कुछ सवाल देख रहा हूँ मैं। इन सब कार्यों की बदौलत स्टाफ का सपोर्ट था, और मेरा खुद का एक इंटरेस्टिंग विषय था ये, मुझे कुछ करना चाहिए ताकि थोड़ा अलग लगें। तो हमारी स्कूल आज टोंक जिले में एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा में सबसे हाईटेक स्कूल है, ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, और इसको लेकर के 3 बार माननीय SDM साहब मालपुरा ने मुझे सम्मानित किया, एक बार हमारी जो SMC थी उसको सम्मानित किया गया जिला स्तर पर, और एक बार मुझे जिला कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया गत वर्ष 2 अक्टूबर को, और उससे पहले 2018 में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान से भी मुझे मालपुरा SDM साहब ने सम्मानित किया, और गत वर्ष 2019 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से मुझे राज्य सरकार ने सम्मानित किया, और उसके बाद महाराष्ट्र में वहाँ की एक स्थानीय लोक सेवा अकादमी है, उन्होंने मुझे ग्लोबल टीचर रोल मॉडल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। हमने जो कार्य किया वो सम्मान को ध्यान में रख कर के नहीं किया,
लेकिन चूंकि जब काम दिखता है लोगों को तो निश्चित रूप से किसी संस्थाओं को तो निश्चित रूप से वहाँ पर विचार किया जाता है। अभी कई साथी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तर के लिए चयनित हुए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और काम करने के बाद उन्होंने आवेदन किया, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया, लेकिन आप उसको दिखाओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। कई साथी सोचते हैं, अरे यार क्या दिखाना, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आपकी उस नेकी को दूसरा बंदा देखेगा ही नहीं तो वो कैसे मोटिवेट होगा। इसलिए हमको सोशल मीडिया के माध्यम से या इस तरह के कोई आवेदन कहीं करना हो तो करना चाहिए हमको। हमारा जो काम है वो फोकस में आएगा तो निश्चित रूप से एक नहीं 20 स्कूलें वैसी बन जाएगी। मुझे पता है हमारी स्कूल में जब TLM की जो पूरी स्कूल के अंदर हमने पेंट करवाया था तो वो ड्राइंग थी, तो बड़ा उसकी फ़ोटो वगैरह लेकर के फेसबुक वगैरह पर डाली तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। और कई स्कूलों में ये किया बिना फंड के। पहले तो फंड आता था ABL कक्ष है, लहर कक्ष है, तो अंदर कमरों में बनता था वो चीज़, लेकिन वो बाहर बनवाई तो सीखा है। इलेक्ट्रिक बेल हमने लगाई, काफ़ी साथियों ने देखा उस इलेक्ट्रिक बेल को और महसूस किया कि वास्तव में ये ज़रूरत है स्कूल की। तो हमें करना चाहिए, हम क्या नवाचार कर रहे हैं उस चीज़ को सब साथियों के साथ शेयर करना चाहिए, उनको लगे कि यार अपने को भी ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से सभी हमारे साथी है उसका लाभ ले सकें और बच्चों को, समाज को, देश को उसका फायदा मिल सके। काफ़ी लंबा टाइम हो गया और सभी साथियों से अब मैं अनुमति चाहता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके मेरा उत्साहवर्धन किया और मेरा लाइफ का पहला लाइव कार्यक्रम है। कभी मैंने फेसबुक पे लाइव नहीं आया हूँ पहले, मैं कभी आज पहली बार आया हूँ। और सब आप लोगों की के उत्साहवर्धन की वजह से ये सब हो पाया। धन्यवाद, थैंक यू।